बाढ़ राहत में भ्रष्टाचार करने वाले 6 पटवारियों पर मुकदमा दर्ज, जल्द ही होगी गिरफ्तारी। श्योपुर कलेक्टर के सख्त निर्देश के बाद बाढ़ राहत कार्य में पैसों का गबन करने वाले बड़ौदा तहसील क्षेत्र के 6 पटवारियों के खिलाफ बड़ौदा थाने में 420, 467, 468 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। कलेक्टर संजय कुमार द्वारा लगातार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब बाढ़ राहत में पीड़ितों का हक खाने वाले 6 पटवारी भी इसकी जद में आ गए हैं। श्योपुर में 2 वर्ष पहले आई बाढ़ आपदा के समय बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि में गड़बड़ी के मामले में 6 पटवारियों के खिलाफ बड़ौदा थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। संबंधित पटवारियों द्वारा लगभग 2,60,00,000 के आसपास की राशि का गबन किया गया है, जिनमें 32 पटवारियों के नाम सामने आए हैं। अभी 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और नाम जल्द ही सामने आएंगे। जिन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, जल्द ही इन पटवारियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि जिन पटवारियों पर FIR दर्ज हुई है, उनमें लक्ष्मी नारायण गौरछिया, मेवाराम गौरछिया, इनायत खान, मंजू दीक्षित, सामाजिक संगठन JCI के जिलाध्यक्ष पटवारी हेमंत मित्तल एवं राजकुमार शर्मा शामिल हैं। इन पटवारियों ने शासन को जमकर चूना लगाया है और इन पटवारियों में एक पटवारी ऐसा भी है जो सामाजिक संगठन JCI का जिलाध्यक्ष है। JCI संगठन जिले में लगातार सामाजिक गतिविधियां करता रहता है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। क्योंकि आपराधिक मामला है, एक होता है काम करते हुए गलती होना, उसमें विभागीय कार्रवाई हो सकती है, लेकिन एक होता है षड्यंत्र पूर्वक कोई अपराध कर बैठना, जानबूझ करके कोई कूट रचना करके किसी को लाभ देना, तो ऐसे मामलों में तो आपराधिक मामला बनेगा, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की गई। काफ़ी गंभीर मसला है, ये प्रकरण जांच उपरांत कायम हुआ है और इसमें 21-22 में यहाँ प्राकृतिक आपदा के दौरान काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ था और उसमें करीबन 2,57,00,000 के लगभग की राशि का हेरा फेरी करके जो है जिन हितग्राहियों को जाना चाहिए था वो उनके खाते में जा करके इन्होंने अपने प्रवृत्त करके अपने नज़दीकी लोगों के उसमें खाते में डलवाया गया। ये जो है जाँच उपरांत राजस्व अधिकारी के द्वारा जो है हमको बड़ौदा थाने में ये आवेदन दिया गया था और उसके आवेदन पर से 6 नामजद लोगों के खिलाफ FIR की है। निश्चित तौर पर ये गंभीर मसला है, इसमें बारीकी से जांच की जा करके सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।